हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य अकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2 लो स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ टोनल चाइल्डहुड, रिटन बाय एनी स्ट्रिंग। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट फर्स्ट पार्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, इट इज़ अबाउट साहेब आलम। एंड सेकेंड स्टोरी इन दिस चैप्टर इज अबाउट मुकेश, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी लर्न टिल दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड हिज एंसेस्टर्स एंशियंट बिजनेस वॉज अबाउट टू मेकिंग बेंगल्स इन फिरोजाबाद। एंड इन फिरोजाबाद एवरी हाउस एंड एवरी पर्सन वॉज Joy was in the business of making of bangles. Now, from this paragraph, it is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother. Okay, जब writer, author, जब उनके narrator उनके घर पर visit लेते हैं तब ये पूरा घर देखते हैं और उनकी rituals, customs और घर की जो situations, everything जो रिलेटेड थी उसके वो। नाउ इट इज़ हिज कर्म, उसके ग्रैंड मदर ने बोला कि ये उनका कर्म मीन्स उसकी जॉब है, उसका डेस्टिनी मीन्स उसकी डेस्टिनी है, या कि ये बेंगल के जॉब में प्रोफेशन में उसको रहना। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स एंड वॉट हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, और वो जो लेडी थी वो खुद वो अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई थी, गो ब्लाइंड विथ द डस्ट, जो है जो वो पीछे पीछे जो डस्ट से भरा हुआ था, जो पॉलिशिंग और ग्लास और बैंगल से पॉलिशिंग का काम था वो। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। एंड शी ऑल्सो से इट्स इम्प्लाइज दिस क्वेश्चन दैट कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, मीन्स जो भगवान ने चाहा, जो उसने जो बनाया, वो जो डेस्टिनी थी, क्या वो कोई चेंज कर सकता है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house. Means जो born जो caste में जन्म लिया है उन्होंने of the bangle makers, and they have seen nothing but bangles. They see only bangles from his childhood, from born, nothing else. In the yard, in the house, in every other houses, एवरी अदर आर्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, इन फिरोजाबाद उसने देखा ही उनसे ये है तो इसकी डेस्टिनी है। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, लाई इन माउंट्स इन द अनकेप्ट यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शैंटी टाउन। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls and their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Now, some more details about Firozabad. Like bangles jo the wo kaisi thi? Sunny and gold, shiny and gold, sunny gold ya paddy green color, और रॉयल ब्लू कलर की थी, पिंक थी या पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो की जो सेवन कलर है सब कलर्स यहाँ दिखाई दे रहे। लाइन माउंट्स ऑन केप्ट द यार्ड, जो यार्ड थे वहाँ फुल ऑफ नंबर्स में थे, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडकार्ट, और जो फोर व्हील्ड जो हैंडकार्ट था उसमें इकट्ठा किए हुए थे, पुश्ड बाई यंग मैन, और एक पर्सन यंग मैन उसे जो हैंड कार्ड था उसे धकेलता हुआ बेंगल्स सेल करने के लिए जाता था। अलोंग दी नैरो लेंस, जो नैरो लेंस स्ट्रीट्स थे वो बेचने जाता था, ऑफ द शांटी टाउन, जो टाउन था वहाँ पे जाता था गांव में से फिरोजाबाद में से। एंड इन डार्क हॉट मैंस नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, एंड कहाँ पे, इन डार्क हॉट मैंस जो डार्क होता था वहाँ, या नेक्स्ट लाइन्स जो लाइन जहाँ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जहाँ जलते होते थे वहाँ पे भी, सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और जो उसके लड़के लड़कियाँ उनके फादर मदर के साथ बैठे हुए थे, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल बेंगल, और बेंगल जो सर्कल शेप में होती थी उसका जो ग्लास होता था कलरफुल ग्लास
उसे वेल्डिंग में ज्वाइन करते थे उसके पीसेस. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड. देयर आईज, ये स्मॉल चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स थे, उनकी आईज थी आर मोर एडजस्टेड इन द डार्क. डार्क में जो उनकी एडजस्टेड जल्दी हो जाती थी देन द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट में इतने एडजस्ट, बिकॉज उनका जो काम था पूरा अंधेरे में काम होता था इन द डार्क साइड ऑफ हाउस. सो दे आर अवेयर ऑफ इट. ओके, दे एडजस्टेड देयर लाइफ इन दिस डार्क थिंक. दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. एंड दैट इज वाई, सो दिस इज द रीजन फॉर वॉट ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट. इसलिए उनकी जो आई साइट होती है वो जल्दी लूज हो जाते थे बिफोर दे बिकम, जब बड़े होते थे एडल्ट, उससे पहले तो उनकी आँखें चली जाती थी, कम दिखाई देता था. सविता, अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस, एक लड़की जिसका नाम है सविता, विच इज़ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस में थी. सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, कहाँ बैठी थी, उसके साइड में एल्डरली एक ओल्ड एज वुमन थी, उनके बाजू में बैठी थी. शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और क्या कर रही थी, जो ग्लास के पीसेस थे ज्वाइंट कर रही थी, शोल्डरिंग कर रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन्स, और एज हर हैंड मूव्ड, उसके हाथ कैसे मूव हो रहे थे, लाइक मैकेनिकली, लाइक इट लाइक लुक लाइक मशीन. ओके, जैसे कोई मशीन काम कर रहा है ऐसे उसके हाथ से वो काम कर रही थी. आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल शी हेल्प. इसमें एक नरेटर सेड, आई वंडर, मुझे सरप्राइज हुआ दैट इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल, कि वो बेंगल्स की जो जोड़ने की जो पूरी प्रोसेस है वो जानती है, शी हेल्प्स मी, तो वो ये बनाने में हेल्प भी कर सकती है. जस्ट वो सौ पीसेस होते थे वो ही इकट्ठा क्यों कर रही थी. इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियस इन मैरिज. और ये जस्ट हेल्प करना जो एक सिम्बोलिज्म होता था इंडियन वुमेन के लिए, जो उनका सुहाग मीन्स उनके हस्बैंड जो होते थे, जो रिचुअल ऑस्पिशियस इन मैरिज, मैरिज में जो रिचुअल्स और होते थे कि हस्बैंड जो काम करे उसे हेल्प करनी उसे. इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रेप विथ अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट. मीन्स ओके, इट विल डाउन ऑन हर सडनली, सडनली वन डे क्या हुआ था, वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड वेल, उसका जो हेड था वो ड्रेप विथ रेड, रेड कलर सा था. एंड हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ भी रेड कलर से हो गए थे ये पूरे बेंगल्स बनाते बनाते, विथ हैना मीन्स मेहंदी से, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इन टू हर रिस्ट, और रेड बेंगल्स उसके रिस्ट में थी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो मैरिज ब्राइड बन गई मैरिज के लिए. लाइक द ओल्ड वुमन डिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट. मीन्स लाइक ओल्ड वुमन, जैसे वो ओल्ड वुमन उसके पास बैठी थी, हर हु बिकम वन वन मैनी ईयर्स एगो, कि वो भी एक बहुत साल पहले वो भी बन चुकी थी ब्राइड, और ये लड़की अभी भी है. शी स्टिल हैज़ बेंगल्स, और जो लेडी थी उसके हाथ में अभी भी बेंगल है. बट नो लाइट इन हर आइज, बट उसकी आँखों में वो लाइट नहीं थी. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं चाहिए. ओके, क्या शी सेज, वो लेडी क्या बोली, एक तो वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मीन्स एक भी टाइम ऐसा नहीं गया अच्छे से खाना खाया. इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इस वॉइस में ऐसा दिख रहा था कि लाइफ की पूरी जो जॉय थी, एन्जॉयमेंट थी, वो ख़त्म हो गई थी, इस डार्कनेस में ही चली गई थी. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि कभी भी उसकी लाइफ टाइम उसने फुल मील, फुल टाइम एक अच्छा खाना नहीं खाया था. दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. ओके, लाइफ टाइम पूरा खाना नहीं खाया था, एंड दैट इज़ वॉट, इसलिए शी हैज़ रीप्ड, इसलिए वो ऐसी लग रही थी, अच्छी नहीं थी. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका हस्बैंड जो ओल्ड मैन था जिसकी बियर्ड बड़ी बड़ी थी, वो कहता था आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, ऐसे है कि मैं बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, एंड ही सेड कि ऑल आई हैव डन, मैंने क्या किया कि मैंने घर बनाया मेरी फैमिली अंदर रहने के लिए, और बेंगल्स के अलावा मुझे कुछ नहीं पता. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ शी हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और जैसे उनको सुनने के बाद लगा कि वन वंडर्स, एक और आश्चर्य बात, इफ ही हैज़ अचीव्ड
अगर उसने ये जो मेल था उसने अगर अचीव कर लिया सब कुछ, व्हाट मेनी है फेल जो अदर फेल हो जाते, उसने अचीव कर लिया उसकी लाइफ टाइम के लिए, तो वो लगता है ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, तो उसके लगता है कि उसके सर पे अगर रूफ सीलिंग है तो उसने सब कुछ पा लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। ओके, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने का कभी वो जो रड़ना नहीं, ऐसा नहीं, टू टू है एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ बैंगल का जो बिजनेस था वो न रखने से पैसा ना हो तो चलता, लेकिन बिजनेस से वो चलना चाहिए। नॉट इवन इनफ टू ईट, अगर खाना नहीं हो तो चलता है, लेकिन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स रिंग्स इन एवरी होम, तो वो सारे घर में वो चलना चाहिए। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन जो होते थे उसका जो ये वो बोल रहा था, उसका इको उसके जो एल्डर्स थे वहाँ तक पहुँच रहा था। लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, जो कुछ ऐसे थे जो टाइम के साथ यहाँ से चले गए और फिरोजाबाद में रह गए। कुछ ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, बहुत सालों की ये माइंड नंबिंग जो ये टॉयल वो टॉर्चर वाली जैसी ये डार्कनेस में काम करना बैंगल्स, तो ये किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, जो भी पोटेंशियल होता था जो यंग पर्सन में वो सारा ख़त्म हो जाता था, और जो ड्रीम देख के कुछ करना चाहता था वो भी ख़त्म हो जाते थे। Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Narrator ask a question, why not organize yourself into cooperative? Means आप लोग काम करते हो अलग अलग घर में, तो ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो कोऑपरेटिव होना चाहिए और सब एक साथ काम करो और कुछ नया करो। I ask a group of young men, जो नया एक यंग मैन का ग्रुप था उनसे पूछा, who have fallen into the various circle of middlemen, जो बहुत सारे लोगों के सर्कल में होता था, who trapped their fathers and forefathers, मीन्स उनके फादर फोर फादर के बिजनेस में जुड़े हुए थे या उनका कहना ही मानते थे, तो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया इस ग्रुप पे कि आप कोई ऐसा कोऑपरेटिव ग्रुप बनाओ जहाँ सबकी हेल्प हो सकती है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द रिटर्न एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से वो इस दे उन्होंने आंसर किया था कि हम एक साथ अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो वी हु विल बी होल्ड बाय द पुलिस, अगर पुलिस हमें उठा के ले जाएगी ऐसा हम काम करेंगे तो बीटन वो हमें मारेंगे एंड ड्रैग टू द जेल और जेल में ले जाएंगे फॉर डूइंग समथिंग कुछ इलीगल करने के लिए, दे से ही ध्यान सर। देर इज नो लीडर अमंग देम नो वन हु कुड हेल्प देम सीइंग द डिफरेंटली, तो ये जो ग्रुप था उसमें कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उन्हें कुछ आगे नया दिखाई दे और उसे है उनको हेल्प करे और इसमें से कुछ डिफरेंट बनाए डिफरेंट करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज देयर, और वो भी इतने थके हुए थे जितने उनके फादर पहले से थके हुए थे, वो ही ऐसे थे जो जो चले आते थे वही काम करते थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी द ग्रीड एंड टू डू इंडस्ट्रीज, दे टॉक एंडलेसली बस वो का बातें किए जा रहे थे किसकी, इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी कि पॉवर्टी में से कैसे बाहर निकले, बस उनकी बातें ही थी एपथी थी टू ग्रीड और लालच थी बट टू इंजस्टिस, वो इंजस्टिस मानते थे। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, तो उनको सुनने के बाद नैरेटर थॉट दैट कि मैंने दो वर्ल्ड देखे, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, वन कई विच दैट वन द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की झाल में है बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, बस जो कास्ट की वजह से जो रिचुअल्स है उससे बर्डन फील कर रही थी, का सफरिंग हो रही थी, विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो जन्म है। द अदर और एक और विच वन दैट विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार्स द मिडल मैन, और वन मोर कि द अदर विशियस सर्कल, एक और सर्कल, एक और ग्रुप जो साहूकार जो मिडल मैन जो बीच में काम करता था, इनकी बैंगल्स ले जाता था वो सेल करता था वैसा, और द पुलिस मैन, और पुलिस मैन द कीपर्स ऑफ लॉ जो लॉ रखते थे, या ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, वो एक टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, और साथ मिलकर उन्होंने पूरी ये जो भार था काम करने का उनके लड़कों पर डाल दिया था जो चाइल्ड थे उनको, बट दे कैन नॉट पुट डाउन, उनको ये कुछ और कुछ करना नहीं था, यह बस एक ही काम करना था। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट एज
before he is aware, he accept it is naturally as his father. Means उसने ये जैसे वो जानता तो था उसे वो सब पता था बट ही एक्सेप्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो नेचुरल थिंग है, नया कुछ नहीं हो सकता. एज इज फादर, जैसे उसने फादर से हमने किया था वैसा ही मुझे करना है. टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कि टू डू एनी थिंग न्यू इट मीन्स टू डेयर, कुछ नया करना वो एक डेयर समान होता है. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो था जो रिस्की काम था वो उनकी ग्रोइंग अप मीन्स उनकी परवरिश में ये नहीं थी. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. But जैसे मुझे ये चीज़ें कुछ नई जो डिफरेंट करने की जो सोच थी वो मुकेश में दिखी थी, आई एम cheered में अच्छा enjoy, मुझे joy खिलखिला लगने लगा. I want to be a motor mechanic. जैसे वो बोला था कि मुझे motor mechanic बनना है, तो मुझे लगा कि ये लड़का कुछ नया करने वाला है, तो ये मुझे कुछ मेरी आशा जो थी जो मुझे दिखाई दे रही थी. He repeats, फिर से वो repeat किया. He will go to garage and learn. वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा मोटर मैकेनिक का काम. बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, बट वो गैरेज थी वो घर से दूर थी. आई विल वॉक एंड देन ही सेड आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा. ही इंसिस्ट, लेकिन सीखूंगा जरूर. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही सडनली साइलेंट. नो ही सेज. नरेटर आस्क अ क्वेश्चन टू हिम दैट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुझे वो भी सपने हैं, देखे कभी प्लेन उड़ाने के लिए? ही सडनली साइलेंट, वो सडनली साइलेंट हो गया. नो ही सेज, वो बोला कि नहीं मैं प्लेन उड़ाने का सपना कभी नहीं देखा. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्रांट को देखने लगा था. इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट ही हैज नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट. इन स्मॉल मर्मर, वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था. देयर इज एन एम्बरेसमेंट, थोड़ी सी एम्बरेसमेंट मे बी उसको फील हुई थी एट दैट टाइम दैट has not yet turned into regret, but वो अभी तक वो regret में नहीं है turn हुआ था. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. उसने just वो ही dream देखा था जो cars चलाने का, that he see hurtling down, जो उसके जो जहाँ street में वो town में जाता था वहाँ चलते थी वो. few airplanes fly over Firozabad, but कुछ airplanes फिरोजाबाद के ऊपर भी उड़ते थे, तो मे बी वो धीरे धीरे वो भी सीख सकता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ. लो स्प्रिंग्स, तो दो स्टोरी साहेब आलम एंड मुकेश की. दीज आर द वंडरफुल स्टोरीज एंड आर वेरी मोटिवेशनल एंड टू डू समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट. ओके, इट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू वंस अगेन. देन द क्वेश्चन आंसर दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. Okay, understanding the text and the taking about the text. Okay, so first understanding the text, this is compulsory for all the students to write down in your notebook.